पर चिपक चिपक के खड़े हैं लोग यहाँ पर कोरोना। बस चीज़ ऐसा कोरोना तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट वैक्सीन ले रहे हैं, इसी को तो अभी सरकार बोल रहा वैक्सीन है। थोड़ा वाइल लेने से वैक्सीन का वो डिपार्टमेंट जो है वैक्सीन का, उसमें टेम्पर को कम मिलेगा थोड़ा। ऐसा तो वैक्सीन नहीं मिल रहा हम लोग को, क्या करें हम लोग। वैक्सीन नहीं मिल रही तो वाइन लेना है, ये क्या वाइन लेना मतलब ये है कि एक्चुअली वैक्सीन हम लोग का टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर लो होने से तो वो बोलेगा कि आपका कोरोना हुआ है वैक्सीन लेना पड़ेगा। बुखार भी हुआ तो आपको बोलेगा पेट में भर्ती होना पड़ेगा 14 दिन के लिए, ये करना पड़ेगा, सेफ साइड कैसे रहना पड़ेगा। तो इससे अगर कोरोना ले ले वैक्सीन जारी। लगातार दूसरे दिन कोलकाता में शराब की दुकानों पर उड़ रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। लोग एक दूसरे से चिपक करके यहां पर दुकानों पर भीड़ लगा करके खड़े हैं, कई के चेहरों पर मास्क भी नज़र नहीं आ रहा है। और यही नज़ारा जो कोलकाता के कई जो शराब की दुकानें हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूँ, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अमूमन सभी लोग सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? और पुलिस लगातार अभी अनाउंसमेंट कर रही थी। हमको तकलीफ होता है अंदर से, मास्क पहनता हमको तकलीफ होता है।